पेंशन में 10-15% की कटौती हो सकती है। आखिर ऐसा सजा? आप किसी छात्र का नाम आ जाने के कारण आप सीधे टांग के उसे बेउर जेल भेज देते हैं, उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है, और यहाँ इसके सिंगल की भी इतना दिया है। अरे जो व्यक्ति अपने बेटे की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, उसे आपके पेंशन से कितना फायदा होगा, क्या उसका नुकसान होगा? करोड़ों रुपए कमा लेने वाले को आप कुछ मार हजार लाख रुपए का पेंशन पर रोक लगाएंगे, और वो भी हो सकता है कि 2-3 महीने बाद चालू हो जाए। फिर इसके सिंगल के लिए नीतीश कुमार इतने दिलदार क्यों हैं? भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात चलती है, और इसके सिंगल लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, और इनको लगातार रिवार्ड पे रिवार्ड दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए अक्टूबर 2023 में परीक्षा हुआ, और बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा पेपर लीक भी हुआ। 74 FIR बिहार के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए पेपर लीक से संबंधित। और बता दें आपको हम कि एसके सिंघल जो तत्कालीन आयोग के चेयरमैन थे, उन पर उंगलियां उठी। और आपको बता दें कि ईओयू जो कि इस पेपर लीक कांड की जांच कर रही थी, उनके द्वारा काफी संगीन आरोप डीजीपी पर लगाए गए हैं, पूर्व डीजीपी पर। एसके सिंघल पर यह आरोप लगा कि क्वेश्चन छपाई के लिए 10% कमीशन लेकर ठेका दिया गया, भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, क्वेश्चन जो सेट हुआ था वो किसी एक्सपर्ट नहीं बल्कि जो प्रेस, जो तथाकथित प्रिंटिंग प्रेस था, उसके ही लोगों के द्वारा जो है क्वेश्चन सेट कर दिया गया। और पैसे लेने की भी बात सामने आई कि 10% कमीशन खोरी किया गया तत्कालीन चेयरमैन के द्वारा। इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद भी पुलिस हेडक्वार्टर को यह पत्र ईओयू के द्वारा लिखा गया लापरवाही और अनदेखी का, जबकि देखा जाए तो सीधे सीधे ये क्राइम है। एक 36-37 साल का एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जो है, जो बिहार का डीजीपी रहा हो, आईपीएस अधिकारी है, वो इतना बड़ा चूक यूं ही नहीं कर सकता, अनदेखी यूं ही नहीं कर सकता। पूरी तरह से मिलीभगत की साजिश है, शिक्षा माफियाओं के साथ इनकी साठगांठ है, और ईओयू ने अनदेखी और लापरवाही का पत्र डीजीपी को लिखा, बिहार सरकार को लिखा। और आपको बता दें कि आज के प्रभात खबर में दिया गया है कि इनकी पेंशन पर रोक लग सकती है, पेंशन में 10-15% की कटौती हो सकती है। आखिर ऐसा सजा? आप किसी छात्र का नाम आ जाने के कारण आप सीधे टांग के उसे बेउर जेल भेज देते हैं, उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है, और यहां इसके सिंगल के लिए इतना दिया है। जो व्यक्ति सीधे सीधे जो अभी तक चार्जशीट हुआ है या फिर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उनके बारे में, उससे साबित होता है कि ये व्यक्ति जो है सीधे सीधे क्राइम किया है, अपराध किया है। बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य को 10% कमीशन पर बेच दिया है, और आप केवल जो है पेंशन की राशि रोकना चाहते हैं, पेंशन रोकना चाहते हैं। अरे जो व्यक्ति अपने बेटे की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, उसे आपके पेंशन से कितना फायदा होगा, क्या उसका नुकसान होगा? करोड़ों रुपए कमा लेने वाले को आप कुछ मार हजार लाख रुपए का पेंशन पर रोक लगाएंगे, और वो भी हो सकता है कि 2-3 महीने बाद चालू हो जाए, क्योंकि जिस तरह की नीति अपनाई गई है इसके सिंघल को लेकर, उससे ये नहीं लगता है कि बिहार सरकार कोई बहुत कठोर कार्रवाई करने जा रही है। नीतीश कुमार मंत्रियों पर आरोप लगता है तो मंत्री पद ले लेते हैं, लेकिन इसके सिंगल पर इतना संगीन आरोप लगा है। अब देखिए आप क्या स्थिति है कि बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ज्यादा अभी युवा है। सरकार रोजगार को लेकर हर एक मंच से दावे पर दावे करते जा रही है, और युवाओं के भविष्य के साथ ही जिसने दलाली किया, जिसने खेल किया, उस पर ही कार्रवाई करने में आप कछुआ चाल अपनाए हुए हैं, रहम दिली दिखा रहे हैं। आप बड़े बड़े, अब ये संजीव हंस, गुलाब यादव पर आपने मुकदमा चलाने का जो है वो ऑर्डर दे दिया, लेकिन संजीव सिंघल को लेकर क्यों नहीं? आप सोचिए कितना ये संगीन आरोप है कि किसी पूर्व डीजीपी, किसी भर्ती आयोग का चेयरमैन,
उस पर क्वेश्चन छपाई में ठेका देने को लेकर 10% कमीशन दिया जाता है, वो कमीशन उनके बंगले के पीछे जो है वो लिया जाता है, जो आरोपी हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम जो है कोर्ट में भी इसको लेकर बयान देने को तैयार हैं, और तब जो है सरकार इतना अरहम दिल अपनाए हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरोपी जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर ईओयू ने चार्जशीट दायर किया है कि 10% कमोशन खोरी की बात कही गई है उसमें, तो वो तो जांच करने के बाद ही दिए होंगे, आरोपियों के द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी जांच होने के बाद ही बोले होंगे वो। और ऐसे में आप पेंशन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। एसके सिंघल को लेकर जो सरकार का अभी तक रवैया रहा है, जैसे ये व्यक्ति रहे हैं, ये जो हैं पैसे के लिए सब कुछ किए हुए हैं, जैसा मीडिया रिपोर्ट आता है, इनकी कार्य प्रणाली, इनकी उपलब्धि पुलिस के रूप में कुछ नहीं रही है सिर्फ बदनामी के अलावा, और इन्हें लगातार अहम पद दिए जा रहे हैं, इनके लिए पद सृजित किए जा रहे हैं, सुविधाएं जो हैं वो बड़ी बड़ी दी जा रही हैं, और यही जो है लोगों के बीच में काफी हैरत का विषय बनते जा रहा है कि आखिर इसके सिंघल के लिए नीतीश कुमार इतने दिलदार क्यों हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात चलती है और इसके सिंघल लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और इनको लगातार रिवार्ड पे रिवार्ड दिया जा रहा है। बताइए, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाया है उसका कुछ माह हजार या लाख रुपए का पेंशन रोक के उसको क्या आप दंड दे सकते हैं? संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनका सारा कट्टा चिट्टा खोलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जांच नहीं होगा लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इसके सिंघल पर जैसे आरोप लगे हैं उसमें स्पष्टीकरण जरूरी है, अगर दोषी हैं ये तो दंड भी जरूरी है, और हम आशा करेंगे कि नीतीश कुमार इस पर जरूर एक्शन लेंगे, ताकि जो युवाओं को विश्वास दिला रहे हैं वो कि हम उनको नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, और रोजगार देने में जो ये बाधक एसके सिंघल जैसे लोग हैं जो सीटों को बेचते हैं, युवाओं के भविष्य का दलाली करते हैं, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक छात्रों को विश्वास नहीं होगा कि आप नौकरियां जो है उनमें न्याय कर रहे हैं, बहालियों में न्याय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे आयोग में बैठे हुए हैं जिनकी कार्य प्रणाली छात्रों को पसंद नहीं है, हमेशा जो है पक्षपात या फिर अन्याय के आरोप लगते रहे हैं। गुजारिश है जांच कराया जाए, दोषी हैं कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, ताकि जो मेहनती युवा हैं उन्हें यह विश्वास हो सके सरकार पर, विश्वास हो सके भर्ती आयोगों पर, विश्वास हो सके बहाली पर, और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा सारा जो नारा है वो ढोंग ही रहेगा। तो हम आशा करते हैं जरूर इस पर पहल होगी, जांच होगा, और जो भी दोषी होगा कार्रवाई जरूर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।